नमस्कार, आप देख रहे हैं HGN न्यूज ग्रामीणों की आवाज। मेरी शादी सरोरपुर ग्राम गांव से हुई थी और मेरे ससुराल वाले मुझे 2-3 साल बाद से वही मुझे बहुत परेशान करते हैं, घर में रहने नहीं देते हैं। जब जाती हूँ कभी कभार चली गई हूँ अपने अपने मन से ही, फिर भी मुझे घर में रहने नहीं देते। मेरी ननद, मेरी सास और सारी मेरी तीनों नंदे मुझे बहुत मारने पे भी दौड़ते हैं और मुझे घर में बिल्कुल नहीं। मेरा देवर भी मुझे बाल पकड़ के मुझे बाहर निकाला घर के। उसके बाद और क्या मैटर हुआ आपके साथ? और अब जो उस दिन 6-7 साल बाद, मतलब 6-7 साल की मेरी लड़की हो गई है, मतलब पेट में थी 4 महीने की, फिर मुझे मेरे पति ने दिल्ली से मुझे भगा दिया यहाँ, तो मैं अपने मायके में रही हूँ और 5-6 साल की लड़की हो गई है। अब उसके बाद भी गई तो फिर भी मुझे, मतलब गरीबी के कारण मुझे जान लो वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिली। फिर उस दिन जब गई प्रधान के द्वारा, मैं गई अपने ससुराल, फिर तो प्रधान के द्वारा गई तो प्रधान की भी, मतलब उनकी वहाँ से मैं रुकी 2 दिन सिर्फ ससुराल में। फिर उसके बाद मेरे पति ने, मेरी ननद ने गाली दिया मेरी मम्मी को। फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन किया प्रधान को, उनसे बताया कि मतलब यह बात तुम्हारी बहन बोल रही है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, मेरे पति ने मेरे भाई को गाली दिया बहुत बदतमीजी से। फिर मेरे भाई को बुलाया कि आओ मैं तुमको यहाँ मारूंगा और जिंदा नहीं जाओगे यहाँ से। फिर मेरे भाई और मेरे माँ बाप, मतलब पापा गए ठीक। फिर उसके बाद पूरी बात आराम से हो गई ठीक, प्रधान लोग मना करके घर चले गए मेरे भाई को बुला के ठीक। फिर मेरे पापा अकेले घर पर रह गए और मेरी ननद आई कहीं से और मेरे पापा को गाली दिया, फिर मारना शुरू किया। कमरे में ले गई खींच के, गला पकड़ के, फिर कमरे से मैं पकड़ के बाहर लाया। दरवाजे पे मेरे पापा कुर्सी पे बैठ गए, मेरे आदमी ने उसको, हमारे पापा को कुल्हाड़ी लेके दौड़े मारने के लिए, 2-3 लाते मारी और उसके बाद मैं बचा रही थी। फिर छूट के हमारे पापा साइड में हो गए। फिर मेरा भाई आया, फिर हमारे पति ने कुल्हाड़ी लेके मारने के लिए दौड़े कि तुमको मार देंगे जान से, यहाँ जानने नहीं देंगे। बहुत बदतमीजी से गाली दिया माँ बहन की। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद में जब हम, मतलब सब ये मैटर हो गया तो मुझे प्रधान ने बुला दिया बाहर से, बोले कि आप चले जाओ एप्लीकेशन दे दो, उसके बाद देखो आगे क्या होता है। पति का क्या नाम है? पति का नाम प्रदीप पाल। 5 साल की लड़की हो गई, बताओ मेरे को क्या। थाना कौन सा पड़ता है? थाना कमला को। कमला को